चलिए हेलो एवरीवन सो हम यहाँ पे अब नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं है मैप सीरीज इसमें हम हर एक तरह के क्वेश्चन को कवर करेंगे हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन को कवर करेंगे आपको लगेगा सर वो कैसे चाहे वो हिस्ट्री हो तो हम वो हिस्ट्री के मैप्स उठा के लाएंगे वहां से हम पढ़ेंगे यूपीएससी के परस्पेक्टिव से चाहे वो जोग्राफी हो चाहे वो करंट अफेयर्स हो सबको अब हम मैप के थ्रू याद करने की कोशिश करेंगे अगर कहीं पे मानिए इंपॉर्टेंट न्यूज आई है तो वो कहाँ पे लोकेट करता है क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है इससे आपका इंटरनेशनल रिलेशनशिप भी आपको समझ में आएगा कि इंडिया से अगर किसी का रिलेशन है ऐसा है तो क्यों है हम हर एक सब्जेक्ट का कोशिश करेंगे अब कि हम मैप के हिसाब से करें ताकि वो चीजें हमारे दिमाग में रहे अगर आगे गया कि अब हिस्ट्री में भी एक मॉरिन अंपायर पढ़ रहे तो कितना एरिया कवर किया था किस तरीके से उनकी स्ट्रेटजीज थी वो हम देखेंगे ओके तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं और आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है और आपको कंप्लीट यहाँ से प्रीलिम्स तक अभी चलता रहेगा रेगुलरली तो यहाँ पे अब हम देखते हैं देखिए ये सबसे पहले हमारा प्यारा भारत रहा ओके ये जो है हमारा प्यारा भारत यहाँ पर अरेबियन सी ये है आपका बे ऑफ बंगाल और ये है आपका लक्दीप सी आपने एक चीज नोटिस की होगी कि इसी बीच में क्या काफी ज्यादा फेमस हो गया था लक्षद्वीप तो अब ये बताइए चल हम वहां से स्टार्ट करते हैं क्योंकि मोदी जी गए थे मिनख और वहां पर क्या बातें हो रही है कि वहां पर एयरबेस बनाया जाए ठीक है वहां पर एयरपोर्ट्स बनाए जाए ताकि नेव या हमारे एयरफोर्स के लिए भी आसानी हो और वहां पर जो है टूरिस्ट भी आसानी से पहुंच पाए अब लक्षद्वीप है कहाँ पर चलिए वहां से हम स्टार्ट करते हैं और वो उसका रिलेशन फिर हम देखेंगे मालदीव के साथ आपने देखा होगा मालदीव से भी काफी इश्यूज हुए अब इस मैप में तो आपको दिख नहीं रहा होगा मे मेजर चीजें दिखाई देती है यहाँ से गल्फ ऑफ एडन है अरेबियन सीज है ये सब तो अब यहाँ पे हम पहले देखेंगे लक्षद्वीप कहाँ पे है तो देखिए लक्षद्वीप जो है आपको यहां कहीं मिलेगा इसे हमें जूम इन करना होगा अब ये देखिए ये लक्षद्वीप आया ओके लक्षद्वीप यहां से क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको इतने सारे जो यहाँ पे आइलैंड है ठीक है यहाँ पे जो काफी आइलैंड है ये बित्रा अमी अगाती ये मिनकॉय ये सारे आइलैंड्स जो होते हैं ये मिलकर ओके अराउंड थर्टी सिक्स आईलैंड है ये मिलके बनते हैं आपके लक्षद्वीप तो ये यह आपको यहाँ यह पर यह क्लियर हुआ होगा और काफी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी तो आपको यहां से आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ किस तरफ ये है ठीक है तो ये केरला के इस तरफ आपको मिलेगा इससे आपको क्लैरिटी होगी जब भी आप इसके बारे में कोई भी स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन लाना चाहेंगे या बाकी चीजें अब देखिए मालदीव मालदीव कहा ये श्रीलंका है आपका ये लक्षद्वीप सी सी है और ये एरिया जो है आपका ये मालदीव है ओके okay, कैपिटल इसकी क्या है माले ये रहा इसका कैपिटल और ये यहाँ पे ये यहां से आप ये नोटिस कर सकते हैं कि जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो भी काफी पास में ही है कोई बहुत दूर नहीं है कि अगर आप यहाँ पे जा, जा रहे हैं आप मालदीव में तो इसीलिए कहा जा रहा है कि टूरिज्म के लिए जब लक्षद्वीप हमारे पास इतना प्यारा है तो कहीं और जाने की जरूरत क्या है क्लियर तो कहीं और जाने की जरूरत क्या है और यहाँ पर जो मोदी जी का पूरी फोटो देखी होगी वो बहुत फेमस हुई है वो उन्होंने पानी के अंदर जो है वो जाके चीजें देखी तो उसे क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं स्नॉर्कलिंग क्ली मीन्स की आप जो है एक होता है स्कूबा डाइविंग ठीक है जब स्कूबा डाइविंग की जब बात आती है तो मतलब आप एकदम बहुत डीप डाउन द सी जा रहे हैं काफी डीप जा रहे हैं तो स्कूबा डाइविंग हुई ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह लेके लेकिन बस एक पाइप की तरह लगा हुआ रहता है आपकी चेहरे पे और आप हल्का सा नीचे जाएंगे ठीक है हल्का सा सी में नीचे जाएंगे और ऊपर से एक पाइप के थ्रू आप एटमोस्फेयर से ही ऑक्सीजन ले रहे हैं क्लियर तो वो होता है आपका और बहुत अंदर जाते हैं तो स्कूबा डाइविंग तो आपको ये भी इंफॉर्मेशन अब यहां पे क्लियर होगा कल हो कि अभी अगर इस इसपे कुछ क्वेश्चन आए तो आप वहां पर वो कर पाएंगे है ना क्योंकि ये जो जनरल नॉलेज है वो होनी चाहिए चलिए इसके बाद अब हम देखते हैं यहां पे अभी जो हम स्टार्ट करेंगे वो बेसिकली हम कोशिश करेंगे कि हम इस तरीके से जाए यहां पे इंपॉर्टेंट सीज क्या है और ओवरऑल ये देखते हुए चले ठीक है जैसे आप यहां से चल सकते हैं ये रूट हम पकड़ते हैं अभी और हम देखेंगे जैसे देखिए सी ऑफ ऑस्टॉक का है सी ऑफ जापान का है ईस्ट चाइना सी फिलीपीन सी ये सब के बारे में हम अभी बेसिकली देखेंगे और फिर बाकी चीजें हम धीरे धीरे कवर करते हुए चलेंगे इस वीडियो में ओके चलिए अब एक चीज और कि ये बे ऑफ बंगाल है ठीक है ये बे ऑफ बंगाल है और ये साउथ चाइना सी है अब आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि यहां से हमें यहां जाना है तो कौन से स्ट्रेट के थ्रू जाना होगा कौन से स्ट्रेट के थ्रू जाना होगा और वो स्ट्रेट किस दो कंट्री के बीच में आता है है ना आप कहां से जाएंगे अब यहां से तब जा नहीं सकते नीचे ये यह है यहां से सीधे आप जा नहीं सकते यहां पर देखिए आपका पैसेज दिख रहा है ये जो पैसेज है ना ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है अब यहां पर चलिए हम जोमिन करते हैं जैसे अब हम यहाँ जोमिन करेंगे आप यहाँ पे मलक्का स्ट्रीट है ठीक है तो ये स्ट्रीट ऑफ मलक्का है यहां से हम क्या कर रहे हैं आप या बंगाल बे ऑफ बंगाल से जा रहे हैं ठीक है, से जा है? और ये सॉरी सॉरी साउथ चाइना सी से मिल रही है ठीक है, तो ये यहां से ये रास्ता है। तो काफी ज्यादा नैरो है देख सकते होंगे ये काफी इंपॉर्टेंट है मलक्का स्ट्रेट ये जो है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट और जब हम मलक्का स्टेट आ ही गए हैं तो यहाँ पे एटलीस्ट जो ये जो कंट्रीज है इनके बारे में भी थोड़ा बहुत देख ले मलेशिया और सिंगापुर के बारे में देखिए मलेशिया जो है ये यहाँ पे आपके लिए रहा ठीक है और ये इसके ऊपर क्या है गल्फ ऑफ थाईलैंड है थाईलैंड है गल्फ ऑफ थाईलैंड ये रहा और जो सिंगापुर है ना ये मलेशिया के ऊपर एक छोटी सी जगह है सिंगापुर जो है ये देखिए इसी के ऊपर ही पास में ही छोटी सी जगह तो मलेशिया से अटैच्ड है और काफी ज्यादा आप देखते होंगे कि अलग अलग तरीके के ये वहां पे इवेंट्स होते रहते हैं बॉलीवुड भी वहां पहुंचा होता है वेलकम सिंगापुर और ये सब चलता रहता है तो ये कहाँ पर है यहीं से अटैच ये आपको याद रखना है क्लियर ये आपको याद रखना है कि मलेशिया से इस टिप पॉइंट पे जो है ये आपको मिलेगा चलिए तो ये क्लियर हो गया होगा ये मलेशिया कैपिटल क्वाला ओके अब जब मलेशिया के पास है तो ये नीचे जो है आपका ये इंडोनेशिया आता है फाइन ये इंडोनेशिया आता है इसकी कैपिटल जो है ये जकार्ता जकार्ता इंडोनेशिया जो है ये कैपिटल है इसके ऊपर यहां पे जावा सी है फाइन तो हम कंट्रीज के बारे में अभी इंटैप आगे देखेंगे लेकिन हम एक रूट के हम थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं कि अच्छा यहां से हम जा रहे हैं तो ये हो गया मलेशिया सिंगापुर नीचे क्या था इंडोनेशिया तो इसके बीच में से स्टेट जा रहा है कौन सा स्टेट जा रहा है मलक्का स्ट्रेट जा रहा है जो तो कि साउथ चाइना सी में मिल रहा है अब यहां सबसे तक ये परेशान कैसे होते हैं क्योंकि ये जो है नाइन डैश लाइन माना जा मानते हैं कौन नाइन डैश लाइन जो है आपकी चाइना मानती है उनका कहना है कि आसपास का जितना एरिया है वाटर बॉडी का ये सब उनका ही है ओके okay, तो इसलिए यहाँ पे डिस्प्यूट हमेशा चलते रहते हैं अभी जो डिस्प्यूट चलते रहते हैं तो इसके बारे में हम इस एरिया के बारे में हम थोड़ा सा और देख लेते हैं ये हो गया आपका इंडोनेशिया तो चलिए देखिए थोड़ा सा हम इसे ये कर लेते हैं और यहाँ पे जो सिटीज वगैरह होती है अब एक दो सिटीज जो है हर कंट्री की ज्यादा नहीं एक दो एक दो कम से कम एक कैपिटल के अलावा भी आप थोड़ा सा दिमाग में रख सकते हैं है ना यहाँ पे बाली है ओके ये आपका चल रहा है इंडोनेशिया ये तो ये प्रॉपर काफी जो बहुत सारे आईलैंड मिलके बना हुआ है सुमात्रा ठीक है वेस्ट सुमात्रा साउथ सुमात्रा तो ये सब जो है इससे मिलके बना हुआ है यहाँ पे देखिए तो ये फिलिमस फिलिपींस जो कंट्री है इसलिए कौन सी मिसाइल खरीदी है इंडिया के साथ मिसाइल्स परचेस की है ना कौन सी की है यह बताइए कमेंट सेक्शन में इससे आपका आपका थोड़ा सा भी आपका क्लियर होगा और ये फिलिपींस इसकी जो कैपिटल है ये मनीला मनीलाइट तो ये यहाँ पे फिलीपींस इस तरीके से आप इंडिया के रिस्पेक्टिव में आप हमेशा याद रखिए कौन सी कंट्री किधर है ओके कौन सी कंट्री किधर है और जब हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करते हैं तो देखिए जब हम ईस्ट देख रहे हैं तो कहां से हम ये यह यहां से देखना चालू करते हैं कि म्यांमार आया ओके इसके बाद आपका ये थाईलैंड है फिर लाओस है कम्बोडिया है वियतनाम है ओके तो इस तरीके से आपको ये चीज दिमाग में रखनी होती है इससे कैपिटल्स भी आप जो है नोट डाउन करें याद रखें क्योंकि ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है ना कि थाईलैंड का बैंकॉक है बर्मा क्या है नफेदो वियतनाम का क्या है देखिए ये ऊपर आपको मिलेगा यहाँ पर हनोई ओके इस तरीके से जो है आपको लोकेशन के साथ साथ चीजें याद रखनी है अगर कहे कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप मान लीजिए कि वियतनाम और इंडिया के बीच में क्या इंटरनेशनल रिलेशनशिप है या क्या होना चाहिए अब आप, आपने फ्रांस के साथ पढ़ा हुआ है आपने बाकी के साथ पढ़ा हुआ एक है एक नॉर्मल वे में इंटरव्यू समझिए समझिए कहीं पे भी कि अगर आपको कहीं किसी कंट्री से अगर रिलेशनशिप अच्छा रखना है आप किससे रखेंगे यहाँ पर बर्मा कोई भी एक नाम दे दिया कि अगर वो चाइना को कंट्रोल करना है तो अब तो वियतनाम एक सबसे अच्छा ऑप्शन है कि इसी के यही पे आप मिसाइल रख दीजिए तो यहीं से चाइना को क्या करेगा कंट्रोल कर लेना ठीक है तो इस तरीके से हमें स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है सिर्फ इस पर नहीं होती कि आपका कितना पावर है इकोनॉमिक पावर आपकी लोकेशन क्या है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है जैसे तो इसका मैंने बताया पे ठीक है चलिए ये साउथ चाइना सी हो गया आपका इसके ऊपर हम चलते हैं ये है आपका फिलीपींस के आसपास किसी फिलीपींस सी है ये आपका ईस्ट चाइना सी है ये येलो सी है अब येलो सी जो है आपका किस किसके बीच में है कोरिया और चाइना ये यहाँ पे आप ये याद रखेंगे कोरिया और चाइना के बीच में इसके बाद जो है आपका जापान जापान किसके ये है आपका सी ऑफ जापान तो जापान के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं ये है फुकोका ये आपका टोक्यो ये तो हमें पता ही है ये ओसाका इतना एटलेस्ट यहाँ पे आप याद रखें कि ये जापान से रिलेटेड ओके ये सी ऑफ जापान हो गया सी ऑफ ऑस्टॉक पूछा जाएगा तो कहाँ है तो देखिए सर ये है सी ऑफ ऑस्टोक ओके ये इधर जो आपका आता है इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे अब सी ऑफ ऑस्टोक आपको समझ में आ रहा होगा ये चाइना है चाइना का बीजिंग कहाँ पे है यहां पर है तो जितने भी इनकी मेजर सिटीज है ना आपको इन एरियाज में मिलेंगे ठीक है यहाँ पे आप थोड़ा कलर भी देख सकते हैं डिम है क्योंकि ये थोड़ा डेजर्ट एरिया ये जो जितना आपको ये यहाँ पे दिख रहा है ये डेजर्ट एरिया काफी ज्यादा है और ये यहाँ पे मेन पॉपुलेशन है चाइना की ये भी थोड़ा सा यहाँ पे समझने की बात है तो जब आप क्लाइमेट का ज्योग्राफी का क्वेश्चन करें तो समझ में आया कि अगर ये यहाँ किस एरिया की बात कर रहा है चाइना के ये चाइना की ईस्टर्न एरिया की बात कर रहा है नॉर्दर्न की कर रहा है किधर की कर रहा है वो भी आप उस हिसाब से लोकेशन के हिसाब से भी आप आंसर दे सकते हैं कि आपको पता है कि ज्यादा लोग यहाँ है पानी ज्यादा यहाँ यहाँ पे पानी की स्कायर सिटी है यह है आपका सी ऑफ ऑस्ट ये है आपका सी अब देखिए जो सी है और ये इधर सी इसके बीच ये दोनों के बीच में से यहाँ पे क्या निकल रहा है ये हो गया आपका रशिया ये हो गया यूएसए अब ऐसे आपको लगता होगा कि यूएसए और रशिया बहुत दूर दूर है ऐसा कुछ नहीं देखिए कितने पास है ठीक है ये हो गया आपका यूएसए और रशिया और ये देखिए दो मेदे ठीक है या डायोमेड जो भी जैसे भी आपको याद रखना है ये दोनों के बीच में आता है किसके बीच में यूएसए और रशिया के बीच में और इसके बीच में जो स्ट्रेट आती है जो अलग कर रही है यूएसए उसको बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट ठीक है इसलिए मैं तो आपको जूम कर करके दिखा रहा हूं ताकि चीजें आपको याद रहे कैसे बेरिंग स्ट्रेट कर दीजिएगा आपको याद नहीं रहेगा कितना रटिएगा इसीलिए यहां पे हम मैप देखते हुए चल रहे ये स्ट्रेट कौन सा है ये है बेरिंग स्ट्रेट ठीक है ये हो गया बेरिंग स्ट्रेट अब यहां सब से आप थोड़ा सा इसे ये करके देखते हैं अब ये देखिए ये है यू कैनेडा ये यूएसए और ये जो अलास्का है ना ये यूएसए के अंडर में आता है चाइना सॉरी कनाडा के अंडर में नहीं है तो अब ये यूएसए की टेरिटरी हो गई ये आपकी रशिया की टेरिटरी होगी कितने आसपास है अब आपको समझ में आ रहा होगा ठीक है तो ये बेरिंग सी है और ये बेरिंग स्टेट से इसे अलग किया जाता है अलग होता है ये ओके इसके बाद हम देखते हैं तो देखिए ये जो सी है ये कारा सी है ये जो है इंपॉर्टेंट है ये कारा सी है और इसके बाद ये ईस्ट साइबेरियन सी है आप तो नीचे चाहिएगा आपको लैपटेक सी भी मिलेगी यस yes, लैप सी भी मिल गई यहाँ पे आपको इसी तरीके से आपको यहाँ पे चलते जाना है तो कारा सी मिलेगी तो हम रशिया के ऊपर आर्टिक साइड पे चल रहे हैं अभी ओके एक बार जूम आउट करके दिखा देता हूं आपको आइडिया लग जाएगा ये देखिए रशिया है हम इसके नॉर्दर्न साइड पे चल रहे हैं फाइन और ये जो हम कहते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज तो ये है यहां पर नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड और ये आपका क्या है बैरेंट सी है ये कारा सी है तो ये सब सी ऐसा नहीं लगना चाहिए कहां से आया क्या आती है हमें याद रखना है ये पूछ दिया जाता है इससे डायरेक्टली या इनडायरेक्ट क्वेश्चन और देखिए ये ग्रीनलैंड ग्रीनलैंड इतना बड़ा ये भी याद रखना कि ग्रीनलैंड जो है एक्चुअली वो पूरा बर्फ से ढका हुआ है और जो आइसलैंड है यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज्यादा है है ना कंफ्यूजिंग लगता है कि ग्रीनलैंड है तो वहां ग्रीनरी होगी नहीं वहां पूरे आइस है और ये आपका जो है आइसलैंड यहाँ पे ग्रीनरी काफी ज्यादा है ओके okay? ये आपका नॉर्वेगियन सी जो कहां पे वो नॉर्वे और स्वीडन के पास जो ये सी है वो नॉर्वेडियन सी है इसके बाद अगर हम यहाँ की बात करें तो ये जो हटसन बे है ये आपका कैनेडा ये साइड पड़ेगा नॉर्दर्न अमेरिका में इसके बाद बैफिन पे लैब्रेडर सी आपका ग्रीनलैंड सी ये आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको ओके ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है ये जो है आपका कैरेबियन सी तो ये आसपास की जितनी कंट्रीज है ये सब कैरेबियन आइलैंड है अगर आप देखना चाहेंगे इसे जूम करके तो मैं आपको दिखा देता हूं ये सब जितने भी आ रहे जमाइ देखिए वेस्ट इंडीज जो हम कंट्री सुनते हैं वो वेस्ट इंडीज नाम की कोई ऐसी कंट्री है ही नहीं ठीक है वो कंट्री बनी है ये सारे को जोड़ के क्रिकेट के लिए जैसे बारबाडोस हमने काफी बार बारबाडोस का नाम सुना हुआ है आई थिंक पायरट ऑफ कैरेबिया मूवी अगर देखी होगी तो और यहाँ पे ये जो है ट्रिगनी एंड टोबैगो यहाँ पे काफी इंडियंस है यहाँ पे जो है काफी इंडियंस है इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पे काफी हिंदू पॉपुलेशन भी है ओके तो इसके बारे में भी आपको हल्का सा आइडिया होना चाहिए क्योंकि काफी रेयर होता है कि ये सब एरिया में अगर आपको कोई हिंदू पॉपुलेशन मिले फाइन क्योंकि ऐसा कोई आइलैंड है जहां पे ये चीज तो ये सब हमें पता होना चाहिए क्योंकि तो ये सब यूपीएससी का प्रिय बन जाता है जो भी इस तरीके के एक्सेप्शन होते हैं तो जमाई का, अब ये के मैन आईलैंड कहाँ है तो अगेन आपको समझ में आ जाएगा कि अब ये कैरेबियन सी के आसपास में हो ओके ठीक है अभी हम ज्यादा कंट्री के अंदर नहीं घुसेंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं या फिर यहाँ पे अमेजोन फॉरेस्ट है ये सब अलग से कवर अप कर लेंगे अभी जस्ट मैं एक ओवरव्यू बता रहा हूं आपको मैप का ताकि एक आपको आइडिया लगे कि अब इस इनिशिएटिव में क्या क्या चीजें होने वाली है तो आगे जाके अगर हम कुछ पढ़ेंगे मान लीजिए कि इजिप्ट में ही कहीं पे कोई न्यूज बहुत बड़ी आ गई है तो वहां पे कौन सा सिटी है क्या है उसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन ले ली जैसे कि मैंने अभी आपको लक्षद्वीप के बारे में बताया कि भाई मोदी जी गए वहां पे तो क्या क्या होने वाला है अभी एयरपोर्ट बनेगा उसके बाद उन्होंने क्या किया ठीक है उसके कारण क्या इधर अभी जो मालदीव से मैंने आपको कनेक्ट करके बताया कि पहले लोग मालदीव जा रहे थे अब यहां जा रहे हैं तो इस तरीके से दिमाग में चीजें रहेंगे तो हर एक चीज को हम ना इसी वे में कंप्लीट करेंगे ओके जैसे कि अभी हम बहुत बार देख ही रहे कि किसका ये चल रहा है एक वॉर चल रहा है आपका रशिया और यूक्रेन तो ये रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है एक चल रहा है आपका इजराइल और गाज़ा पट्टी के बीच में तो ये कहां पर है इसराइल ये देखिए ये इजराइल है ठीक है कैपिटल जेरूसलेम है अब गाजा कहा है यहां पे? इसी के अंदर जो है वेस्टर्न बैंक ये देखिए ये गाजा पट्टी है तीन थी। ठीक है तो यहां पे क्या होता है साइड में कौन सी कंट्री है इजिप्ट तो इजिप्ट जो है ऐसे गाजा पे जाके अपने आर्म्स वर्म्स दे दिया करते हैं और फिर ये इन पे अटैक करते हैं ना जो पांच हजार मिसाइल्स के आसपास जो मारी थी और फिर इसी का भी रेटिलेशन चल रहा है कि इसको अब हटा ही देना है ओके तो ये सब चीजें चल रही है तो ये सब भी जो है मैप के थ्रू कंप्लीट किया करेंगे इसके बाद अगर देखा जाए बहुत बार पूछ देते हैं कि सिटी को नॉर्थ से साउथ की तरफ आप अरेंज करो तो आपको पता होना चाहिए कौन सी सिटी कहां पर है तो जो भी मेजर सिटीज है वो हम देखेंगे आपने एक बार न्यूज सुनी होगी कि रेड सी में जो एक शिप वो फंस गई थी जिसके कारण पूरा रास्ता ही ब्लॉक हो गया था तो रेड सी जो है वो किससे कनेक्ट करती है ये जो है आपका गल्फ एडन। गल्फ ऑफ ऑफ एडन एडन को मेडिटेरियन सी मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करती है ठीक है तो ये जो है आपका ये मेडिटेरियन सी है अब इसके अंदर और कौन कौन से सी है क्या है वो हम देखेंगे आगे आने वाले जो भी हम चैप्टर्स पढ़ेंगे लेकिन ओवरऑल ब्लैक सी है तो ब्लैक सी के आसपास कितनी कंट्रीज है उनके बारे में देख लेंगे कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या इसका वो हम देखेंगे मेडिटेरियन सी है इसके आसपास के एरिया का क्लाइमेट जो होता है मेडिटेरियन क्लाइमेट ग्रैथ्स बहुत ज्यादा होते हैं यहाँ पे ओके तो जो भी चीजें जैसे भी इंपॉर्टेंट होती है करंट अफेयर से लेकर हर चीज वो हम क्लब कर देंगे तो उसके लिए आपको लोड लेना ही नहीं है ये देखिए ये सी चिलीज है मालदीव है ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी है कॉमोरॉस है तो ये सब इंपॉर्टेंट आईलैंड है अब ये बोल देगा कि आपको नॉर्थ से साउथ सा, बताओ तो भाई साउथ से नॉर्थ बताओ सबसे नीचे कौन सा है तो सबसे नीचे री यूनियन है फिर मॉरिशियस है तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे ये बताना है ठीक है हम हर एक चीज तरीके से पढ़ेंगे कि देखिए कितने इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आइलैंड हम सिर्फ ये नहीं रुक जाएंगे कि भाई लक्षद्वीप है और ज्यादा से ज्यादा हम श्रीलंका और मालदीव की बात खत्म कर दिए नहीं यहाँ पे सिचली है इम्पोर्टेंट है ये सब उसमें तो मॉरिशियस यूनियन ये हर एक आइलैंड जो है काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं तो इस तरीके से हम हर एक चीज कंप्लीट करते हुए चलेंगे फाइन हम जोग्राफी फैक्टर भी देखेंगे हम न्यूज के बेसिस पे भी देखेंगे हम हर एक ऐसी चीज देखेंगे जहां पे फिलिम्स खास तौर पर वहां पे हमारा जो उसका जो मोटिव है वो कंप्लीट हो सके ओके आज मैंने आपको विजन टेस्ट सीरीज में भी वो पढ़ाया था ओके गल्फ के बारे में कि भाई वो एक, एक मेक्सिको के पास में है एक आपका इधर है एक आपका जो है ऑस्ट्रेलिया के आसपास में है तो ये सब जो चीजें मैंने भी आपको पढ़ाई थी आज करेक्ट तो इस तरीके से हम कवर करते चले बाकी आप क्या चाहते हैं किस तरीके से और कुछ हो तो वो बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में और हाँ टेस्ट सीरीज और बाकी अलग अलग टेस्ट सीरीज जो है जीएस स्कोर इन ये सब हम सिर्फ हजार रुपए में स्टार्ट कर रहे हैं सर इसकी वीडियो आपको यहाँ नहीं मिलेगी वो प्राइवेट वीडियो रहा करेगी तो जो भी पेड मेंबर्स होंगे वो ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ हजार रुपए में आपको वो 20 टेस्ट मिल जाएंगे और उसके बाद आपकी आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा ना सर किसी और भी रेस पे होगा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि शुरू के 50 स्टूडेंट के लिए सिर्फ हजार रुपए वो चार्ज है तो जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन करें ठीक है बाकी ये सीरीज पे हम मिलते हैं बाकी आपको कोई और इनपुट दे रहा है कैसे स्टार्ट करे नहीं करें या जो सोचा है सही सोचा है तो उस पर हम चल देंगे ओके चलिए तब तक के लिए जय हिंद